जो यहाँ पे क्लास 11th का पूरा पेपर आ चुका है, जो इतिहास का पेपर, ये इतिहास का पेपर सेट में नहीं है। विशेष ये ध्यान रखेंगे, पूरा एक ही पेपर आपको मिलेगा एग्जाम में, तो पेपर सेट में नहीं आया इस इतिहास का। तो आपको जो पेपर मिलता है आप उसे ही तैयार कीजिएगा, और पूरा पूरा एक कामोस्ट का और काम कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को हमारे शेयर कीजिएगा, और हमारा व्हाट्सअप लिंक ज्वाइन करना ना भूले। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। फटाफट मैं पूरा पूरा एक से पूरा पूरा आपको पूरा पेपर इंड तक पूरा पूरा मैप तक पेपर दिखाने वाला हूँ, जो आपका पेपर 23 नंबर तक का पूरा हो जाना होने वाला है यहाँ पे। तो फाइनली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कक्षा 11वीं 12वीं त्रैमासिक इतिहास परीक्षा यहाँ पे आपके सामने दे दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ हो जाता है, फटाफट स्क्रीनशॉट करना है आपको, तैयार कर लेना है। यहाँ पे आते हैं प्रश्न नंबर 1 पे, सही विकल्प कुछ निर्देश दिए, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद पढ़ लीजिएगा पेपर मिलते ही। यहाँ पे मैं सीधा मुद्दे वाली बात में आता हूँ, पेपर की ओर। और अब मुद्दे वाली बात यह है कि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, मुझे भी बुरा लगता है कि मैं मेहनत करता हूँ फिर भी आप मुझे सब्सक्राइब और सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपके हर एक डिमांड पर मैं हर एक पेपर लेके आता हूँ। तो आपके सामने ये चुका, पहला विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत करने वाला पहले कहाँ हुई थी। नेक्स्ट है मोटो मेसोपोटामिया के वर्तमान किस नाम से जाना जाता है, मेसोपोटामिया के देवी तथा थी। यहाँ पे रोमन समाज के बिस्तर कहाँ था, रोमन समाज के सोनेटे शासन कब हुआ था। ये चीज़ फटाफट स्क्रीनशॉट करना, और बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा मैं। किस रोमन सम्राट के कस्तुतुनिया के रोमन साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था। अब यहाँ पे आते हैं खालिस्तान में, यहाँ पे काम करना है, बस फटाफट आपको स्क्रीनशॉट करना है और कुछ करना नहीं विशेष रूप से। आपको करना है स्क्रीनशॉट और करना है तैयार। फाइल दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा पाँच तक यहाँ पे आपके सामने दिखा दिया हूँ मैंने, बस आपको स्क्रीनशॉट करके फटाफट आपको तैयार कर लेना है। या मैं आपसे स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, ये रहा खाली स्थान। जी हाँ बच्चों, ये रहा खाली स्थान। अब आते हैं यहाँ पे 6 छूट गया था, 6 भी आप देख लीजिएगा झटके में। अब ये रहा आपके साथ 6 का 6 खाली स्थान, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा है, छठवा है, 6 का 6 खाली स्थान आपके सामने है। तो कुछ करना नहीं है, आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है और तैयार कर लेना है बच्चों। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में, प्रश्न क्रमांक 3, 1 2 3 4 5 6 7 6 क्वेश्चन है, सत की बात है, सबको स्क्रीनशॉट कर लो, तैयार कर लो। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा क्योंकि मैं इसका आंसर नहीं बना पाया हूँ, मैं क्षमा चाहूँगा कि आप ढूंढ सकते हैं। और दोस्तों को विशेष रूप से सेट में पेपर नहीं है, इसे आप तैयार करके जाइएगा। अब आते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है प्रश्न नंबर 5। जी हाँ बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 5 आपके सामने आता है 7 क्वेश्चनों के साथ। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा कौन थी। मेसोपोटामिया सभ्यता के पत्थर में शिलपट्ट के जिसे अभिलेख उत्तीर्ण किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट क्या है, टिबेरिया कौन था। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य के उत्तर सीमा निर्धारित नदियों का नाम क्या था। यहाँ पे शेवर नाइन ज्वालामुखी फटने से रोमन साम्राज्य का कौन सा नगर दफन हो गया था, जो विज्ञापन में अभिलेख में प्रसिद्ध था। यहाँ पे सोनोटेक क्या है, ठीक है, सोनेट क्या है। ये सारे सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर ले और तैयार कर लें। अब आते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर आपके सामने, प्रश्न नंबर यहाँ पे आता है 6। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने, देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला 6 है, यहाँ पे सीमर शब्द का परिभाषा। नेक्स्ट है, मोटो सुपानी शब्द किस दो नदियों के नाम से मध्य हुआ था। यहाँ पे बरका शीश के बारे में लिखिए, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ लिखिए, मेसोपोटामिया शहरीकरण की विशेषताएँ लिखते रहिए। यहाँ पे आ जाता है आपके सामने जीरात किसे कहते हैं, उन नगर खरीदते मोटो सपानियाँ कौन सी शब्द हैं, यूनिफॉर्म के शाब्दिक अर्थ क्या है, मेसोपोटामिया के समाज में कल परिवार की अभिप्राय क्या था। तो बस आपको कुछ करना नहीं, स्क्रीनशॉट करना है, रफ कॉपी निकाल लेना और आंसर ढूंढ लेना है और तैयार करके जाना है। साथ में रोमन शहरों की विशेषता, रोमन साम्राज्य की गठन विशेषता, यहाँ पे ब्रदबंध किसे समझते हैं, किसे कहा जाता है, ठीक है, शैलिस धातु की निर्मित क्या चला जाता है, कलेटकिला क्या है, पैराइड्स क्या है, इसके उपयोग बताइए, ड्रेसल बिस क्या है, प्री समझाइए। अब आते हैं पे, ये आपके आप फाइनल है, मेसोपोटामिया सभ्यता की कृषि सभ्यता के बारे में लिखिए, यहाँ पे शिमला की मस्जिद राजमहल के बारे में समझाइए। फाइनल इतने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे मेरे हिसाब से। अब आते हैं आपके 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 क्वेश्चन तक, वो सॉरी 23 क्वेश्चन तक। यहाँ पे मेसोपोटामिया संस्कृत का महत्व लिखिए 3 नंबर का, रोमन साम्राज्य के दस्तों के व्यवहार के प्रति 3 नंबर का, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के मुख्य 3 खिलाड़ी थे 3 नंबर का। यहाँ पे अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया शहर की जीवन शुरुआत करने वाले कौन सी नई संस्थाएं थी। यहाँ पे 4 नंबर का। अब आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे रोमन साम्राज्य की पतन की प्रक्रिया क्षमता विवरण दीजिए, यह सतह यह कहना क्यों सही होगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं खानाबद से पशु और विष्णु रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे, इसे आप देख सकते हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट, आपके सामने फाइनल क्वेश्चन है, दिए गए मानचित्र को भरिए। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑप्शन दिए गए हैं मानचित्र भरने के लिए, और आपका नीचे मानचित्र भी विद्यालय में मिलेगा। ये रहा आपका मानचित्र, इस मानचित्र में आपको 8 का 8 ऑप्शन भरने हैं। तो आपके सामने स्क्रीनशॉट है, इसे आप कर लें, और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।